खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है, जहां सरकार ने कोरोना वायरस के चलते जिले के सभी पिकनिक स्पॉटों को बंद किया है। लेकिन दूसरी तरफ पिकनिक स्पॉटों पर लोग खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन इसकी भनक भी वन विभाग को नहीं है। दरअसल देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लच्छीवाला में लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं वन संरक्षक जयराज से पूछा गया तो वह भी लोगों के बचाव में नजर आए। जयराज ने कहा कि लोग कोरोना वायरस के चलते परेशान हैं, इसीलिए यदि कोई भी पर्यटन स्थल पर घूमने जाते हैं तो वन विभाग उनके साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा, जिससे कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लोग बच सकें। सबसे पहले तो आपको समझना है लोगों की मनोदशा। जो लोग लॉकडाउन में पड़े रहे उनकी मनोदशा बहुत खराब हुई है, बड़े परेशान हुए हैं लोग उसमें, तो हमें थोड़ा सा उनके साथ भी थोड़ी हमदर्दी का एटीट्यूड तो रखना पड़ेगा ना। अब जब अनलॉकडाउन शुरू हो गया है और लोग निकल रहे हैं बाहर को, और अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं, वो मास्क लगा रहे हैं और पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत ऐसी बात है। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि भाई अब उनको घर से निकलने का मौका मिल रहा है, तो अगर प्रिकॉशंस के साथ निकल रहे हैं तो हम भी ये बात समझते हैं कि लोग बड़े त्रस्त रहे हैं इस बीच। तो अब ये टाइम है कि ठीक है, अगर कहीं वो आते हैं हमारे एरियाज में तो एज पर द रूल्स अगर वो आते हैं तो कोई इशू नहीं है। और हमने भी देखिए खोलना शुरू कर दिया है, हमने अपना कॉर्बेट जो है वो खोला है ना। और अब हम ये भी विचार कर रहे हैं कि हमारे जो और भी हमारे इंस्टॉलेशन है, अगर गवर्नमेंट जो है और इसको डिलाई करती है, इसमें डिलाई इन द सेंस की खोलने की बात करती है, तो हमारे जो चिड़ियाघर हैं या हमारे और जो भी इस तरह के एरियाज हैं, हम भी चाहेंगे कि चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप, गूगल प्ले पर उपलब्ध।